हाय फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की दाल, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है आलू। आलू को मैंने अच्छे से उबाल लिए है। सबसे पहले मैं आलू को छील लूँगी। मैंने आलू की दाल बनाने के लिए छोटे साइज के आलू लिए हैं। जो छोटे साइज के आलू होते हैं ना, इससे काफ़ी टेस्टी दाल बनती है। आप चाहो तो बड़े वाले आलू भी ले सकते हो। सारे आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद मैंने आलू को बाउल में डाल लिया है। सबसे पहले मैं आलू को हाथ से अच्छे से मैश कर लूँगी। आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। सारे आलू को मैंने उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका एक बैटर बनाना है। पानी डाल के आलू को अच्छे से मसल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। बैटर अच्छा सा बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। देखो, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला। एक कप पानी मैंने इसमें डाला तो आलू को मैंने हाथ से अच्छे से मसल लिया है। एक अच्छा सा बैटर बन के हमारा रेडी हो गया। इसी टाइप का बैटर बनाना है आलू की दाल बनाने के लिए। तो बैटर बन के रेडी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है इस बैटर को बनाने में। सबसे पहले इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे। मसाले में मैंने लिया अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया। पानी डाल के इसको दरदरा सा पीस लेना है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्ची आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूंगी। तो हमारा यहाँ पर दाल के लिए मसाला बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक कटोरी में मसाले को। अब मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी जीरा, काली मिर्ची, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी। तो मसालों को अच्छे से भूनना है। तो मसाले हमारे अच्छे से चटकने लग गए हैं, मसाले रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला जो हमने घर में बनाया था दाल के लिए। तो मसाले को भी अच्छे से भून लेना है। मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस गैस की आंच मीडियम रखनी है। मीडियम आंच में मसाले को भूनना है। जब तक मसाले से हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक भूनना है। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें डालूंगी टमाटर एक बारीक कटा हुआ। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। टमाटर को भी अच्छे से मसालों के साथ में अच्छे से भून लेना है। टमाटर को भी मैंने मसालों के साथ में अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी छोले मसाला। इससे काफ़ी टेस्टी दाल बनती है। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। गैस की आंच मीडियम रखनी है। मसालों को जलाना नहीं है, बस इनको भूनना है। 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। मसालों को भी मैंने अच्छे से भून लिए है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप पानी डाल के इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। जो हमारे टमाटर है ना वो अच्छे से पक जाएंगे 2 से 3 मिनट में। तो मसालों को अच्छे से पका लेंगे तभी हमारी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो 3 मिनट हो गया है। जो हमारे मसाले हैं उसका कलर भी चेंज हो गया है। मसाले अच्छे से हमारे पक गए हैं। जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं। काफ़ी अच्छा मसाला हमारा बनके देखो रेडी हो गया है। इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है मसाले से। अब मैं इसमें डालूंगी आलू का जो हमने बैटर बनाया था ना दाल बनाने के लिए, वो बैटर इसमें डाल लेना है। आलू का बैटर मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने पानी थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसके ऊपर से डालूंगी कसूरी मेथी। अब इस सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो पानी आप नहीं भी डाल सकते हो। अगर आपको पतली वाली दाल खानी है तो पानी आप ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने इसमें पानी अपने हिसाब से डाला है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट में ये दाल पक जाती है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आलू उबले हुए हैं, मसाला हमारा पहले से रेडी है। 5 मिनट में देखो जो हमारी दाल है उसमें उबाल आ गया है। दाल हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसमें डाल लिया 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो जो हमारी दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक तड़का। तड़का दाल में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तड़के के लिए मैंने लिया है एक बटर। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया। आप चाहो तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हो, लहसुन भी डाल सकते हो। आप चाहो तो घी का तड़का भी दाल में दे सकते हो, तेल का भी दे सकते हो, लेकिन बटर का तड़का जो होता है ना दाल में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारा तड़का बनके रेडी हो गया है। अब हम तड़के को डालेंगे दाल के ऊपर से। इस दाल को आप जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। अब इसके ऊपर से मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैंने धनिया भी डाल लिया है। सारी चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मैंने बनाया है चावल के साथ में।
आप चाहो तो रोटी के साथ भी खा सकते हो, पूरी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी इसको बना के आप खा सकते हो। लेकिन चावल के साथ ये दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस दाल को आप ज़रूर ट्राई करें, ट्राई करके कमेंट में मेरे को बता सकते हो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पिछली लगी तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस दाल को आप ट्राई करें, ट्राई करके आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक बार बनाओगे ना तो रोज़ बनाकर खाओगे, खाने में इतनी